मोदी सरकार का बड़ा फैसला, चीन पाकिस्तान सीमा पर सैटेलाइट से रखी जाएगी नजर। चीन और पाकिस्तान की सीमा पर लगातार हो रही घटनाओं के बीच भारत सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। मोदी सरकार अब इन सीमाओं पर सैटेलाइट के जरिए नजर रखेगी, जिसके जरिए हो रही भारत के खिलाफ गतिविधियों पर ITBP और BSF को बिल्कुल रियल टाइम एरियल जानकारी मिल पाएगी। और कहा जा रहा है कि इन गतिविधि पर नजर रखने के लिए दिल्ली NCR में मुख्यालय भी बना सकता है। अगर गृह मंत्रालय के सूत्रों की माने तो इस सैटेलाइट सिस्टम को लेकर गृह मंत्रालय के साथ ITBP, BSF, SSB और ITRO के अधिकारियों के बीच बैठक हो चुकी है। अगर यह सिस्टम काम आता है तो भारत पाकिस्तान, भारत बांग्लादेश, भारत चीन, भारत नेपाल बॉर्डर पर होने वाली घुस बैठक पर रोक लगेगी। सिस्टम आने से डोकलाम जैसी घटनाएं, पाकिस्तान की ओर से लगातार आतंकवादियों की घुसपैठ और बांग्लादेश बॉर्डर से होने वाली तस्करी पर नजर रखी जाएगी। NCR में बनने वाला मुख्यालय सीमाओं पर नेतान फोर्स के लिए कंट्रोल रूम के तौर पर वर्क करेगा, जिसके लिए कई कमांडो दिए जाएंगे। बॉर्डर पर काम करने वाले सुरक्षा बलों को क्या होगा फायदा? बॉर्डर पर हो रही गतिविधियों की रियल टाइम इमेज मिल सकेंगी। सैटेलाइट पर लगे कैमरे की निर्धारितता जगह को फोकस करके ऑपरेशन करने में मदद मिलेगी, बॉर्डर पर कम्युनिकेशन के लिए भी मदद। यह थी SN News रिपोर्ट।